Ooh. Mm -hmm. वेलकम बैक जी ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आज सेगमेंट जो इस वक्त हम पेश करने जा रहे हैं वो जादू जन्नात के हवाले से हमारे साथ मॉजिस मेहमान मौजूद हैं आपको तारुफ करवाता चलूँ कारी उस्मान असलम साहब मॉलिज हैं जादू जन्नात इनको वार्मली वेलकम करेंगे असल वाल कैसे सर खैर अलहमद्लिए आपने अलहमदिल्ला सफर ठीक रहा जी खैरियत से पहुंचे अब तो मौसम भी काफी चेंज हुआ है बेहतर बेहतर हो हो चुका काफ़ी गया ट्रैवलिंग भी जरा ईजी हो गया ठीक है ले जी आगाज करते हैं और सवाल जो आपके लिए पहला हमारे पास आया है वो है अक्सर लोग YouTube वगैरह पर रुकिया शरिया सुनते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है इसकी वजह क्या है और रुकिया शरिया सुनने का कोई मखसूस तरीका और टाइम भी होता है बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब वेलकम जी रुकिया शरिया दरअसल कहते हैं जी जो शराय दम है जो कुरान सुनने से जो साबित है दम इसे कहते हैं और इस्लाम ने इशाद फरमाया कि हर वो दम जायज़ है जिसमें शिरक मौजूद ना हो अब जो सुनने के साथ जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती ये तो हम इनश्ल आखिर में डिस्कस करेंगे पहले आते हैं जो आपने सवाल कीजिए कोई सही तरीक़ा इसका या वक्त वगैरह तो कोई ख़ास टाइम नहीं है आप जब चाहें आप फ्री हैं आप रुकिए शरिया सुन सकते हैं जब आप बैठे हैं घर में आप मौजूद हैं समझ रहे कि मैं इस वक्त फ़्री हूँ आप सुन सकते हैं और बस एक चीज़ में एहतियात करें अगर आपने इब्तदाई तौर पर पहले आपने रुखिया वगैरह नहीं सुना फ़र्स्ट टाइम सुनने लगे हैं तो आपको चाहिए कि आप जब घर में मौजूद हों और फैमिली मेम्बर्स कोई आपके पास मौजूद हो तब आप सुनना शुरू करें इसकी वजह मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ सफ़र के दौरान या आप किसी के घर में गए एज़ ए गेस्ट या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो तब ज़रा परहेज़ करें अगर फ़र्स्ट टाइम आपने सुनना है अच्छा दूसरी तरफ हम आते हैं कि क्या इसको सुनने का जो सही तरीक़ा है अब देखें फ़रमाया व इज़ा कुरअल कुरान फ लहू व अनसितु कि इस रुकिए में कुरान हकीम की आयात ही तिलावत की जाती हैं और कुरान हकीम के बारे में यही हुक्म है कि जब कुरान पढ़ा जाए उसे तवज्जो के साथ सुने खामोशी के साथ सुने जब भी आपने रुकिया सुनना है आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल फ़्री हो के इन हमात के साथ तवज्जो के साथ और ख़ामोशी के साथ रुकिया सुने अब जो वक़्त जो मैंने आपको बताया है कि आप जब घर में मौजूद हों कोई फ़ैमिली मेम्बर्स आपके पास मौजूद हों तब आप ये सुने अगर फर्स्ट टाइम सुनना है इसकी यही वजह है कि जो लोग कहते ना जी हमारी तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है क्यों बिगड़ जाती है होता क्या है कि इस रुकिए में ज़्यादातर आयात तो उस शहर की ही तिलावत की जाती है ठीक है अब जिस शख़्स के अंदर कोई शैतानी असरात होंगे जादू के जिन्नात के तो जाहरी बात है जब वो इंसान पढ़ाई सुनेगा वो रुकिया सुनेगा तो वो शैान उसको तंग करना शुरू कर देगा उसके असरात ज़ाहिर हो जाएंगे तो वो कोई बेहोश भी हो सकता है किसके सर कंदे वगैरह वज़नी हो सकते हैं बेचैनी शुरू हो सकती है इसीलिए वो घर में मौजूद हो ताकि अगर उसकी सेहत तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो घर वाले उसे संभाल सकें और वो जिसका रुकिया सुन रहे हैं उस राखी से वो रुजू भी कर सकते हैं जी इस तरह हमारे बच्चे की हालत हो गई है और दूसरी बात अगर समझते हैं कि आप रुकिया वगैरह सुन रहे हैं और आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आप वो फिर रूटीन के साथ सुनते रहें और उसके बाद आप चाहे सफ़र में हों किसी के घर भी हों जहाँ मर्जी आप वो बाद में सुन सकते हैं लेकिन बस इब्तई तौर पर आप ज़रा घर फैमिली मेम्बर्स के पास बैठ के सुने आप समझ लें कि आपकी तबीयत बेहतर है कुछ नहीं हुआ तो फिर जहाँ मर्ज़ी आप जिस वक्त मर्ज़ी सुन इस सकते हैं सवाल सवाल में ना उस्मान साहब बहुत से है मैं खोल के बयान रुकिया शरिया दो अलेदा 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 जी हैं जिनको जोड़ के बनाया गया बिल्कुल वॉट इज रुकिया रुकिया किसको कहते हैं और शरिया किसको कहते हैं मैं चाहूंगा कि इन दो लफ्जों की पहले गर्जो गायत बताइए फिर इनका जोड़ना बताइए फिर मुझे कुछ और सवाल भी ठीक है रुकिया असल में कहते हैं जी दम को दम को शरैया मतलब के जो शरीद के मुताबिक शरीत के मुताबिक है तो जो शरीय दम है इसे ही रुकिया शरीर शरिया कहते हैं अच्छा आपने फरमाया कि जब ये पढ़ते हैं जी जी तो फिर वो बंदा तंग हो सकता है डिस्टर्ब है। जी बिल्कुल बिल्कुल असल में वो बंदा तंग हो रहा होता है या शैतान तंग हो रहा होता है अंदर जो कि उस बंदे को डिस्टर्ब मैं बताता हूँ तो, जब वो शैतान जिसम के अंदर है जी असल में डिस्टर्ब तो वो शैतान ही होगा लेकिन जब वो डिस्टर्ब होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो उस शख्स को तकलीफ देना शुरू कर देगा जिस्म के अंदर है बिल्कुल है। उस शख्स को तकलीफ देगा और वो समझेगा कि मुझे तकलीफ मिल रही है हुँ, हुँ. और बात लोग क्या करते हैं इस डर से वो रुकिया सुनना छोड़ देते हैं ऐसे शख्स को चाहिए कि वो रुकिया मुसलसल सुनते रहें वो क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता वो या तो शहर सुन सुन के वो जो शैतान है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली कम होगा एकदम नहीं कम बिल्कुल एकदम नहीं होगा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा अगर आप रूटीन के साथ और यकीन के साथ सुनते रहेंगे एक वक्त आएगा इनशा

अब इस सूरत में बंदा क्या करे अगर तबियत ख़राब हो रही अच्छा, है अच्छा मैं वही बताने लगा हूँ कि ये चीज़ पहले याद रखिए कि अपना रुखिया वगैरह ऐसे शख्स का सुने ऐसे राखी का सुने जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉमेसन आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा कुरान सुन्नत की रोशनी में ही इसने पढ़ा है क्योंकि बहुत सी यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि हमें नहीं पता वो पढ़ने वाला कौन है उसमें क्या पढ़ा जा रहा है बाद उत सुनने वाले हर बंदा कुरान हकीम को वो नहीं जानता है वो बिल्कुल उसे नहीं पता है आप सबसे पहले ऐसे राखी को तलाश करें उसका रुकिया जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है आप अगर वो रुकिया सुन रहे हैं अगर तो आपकी जो तकलीफ है वो काबिल बर्दाश्त है जो आपकी तबीयत ख़राब हुई रुकिया सुनने से तो फिर आप वो रेगुलर सुनते रहें लेकिन बाज़ात इस क़दर वो तबीयत ख़राब हो जाती है बिगड़ जाती है या वो मरीज़ चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है आपस बा बाहर हो जाता है तो ऐसे वक़्त में उन्हें चाहिए कि वो जिस राखी का वो सुन रहे हैं उससे या जिस पर वो एतबार करते हैं अतमाद है उनके साथ वो रबता करें जी हमने अपने पेशेंट को ये रुकिया सुनाया है उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई है फिर वो उससे करना चाहिए अच्छा जैसे आप फरमा रहे हैं इससे समझ आ रही है मुझे अंडरस्टैंडिंग ये मिल जी रही जी। है कि रुकिया सुनने के लिए आप फिजिकली वहाँ पे मौजूद हों जो राखी हो जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि अगर मामला बिगड़े तो वो कंट्रोल कर सकते ज़्यादा बेहतर यही है ज़्यादा बेहतर यही है अगर बाजुकात जैसे हमारे अलहमदिल्लाऐ ऐसे शयूख हैं ऐसे कुर्रक्राम हैं जो सऊदिया में मौजूद हैं उनके साथ रबते में तो नहीं है हम पाकिस्तान में बहुत से लोग फिर वो ऐसा करें अगर उनका रुकिया सुन रहे हैं सोदिया किसी कारी साहब का तो वो पाकिस्तान में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है अगर वो सुन रहे हैं उनकी तबीयत में ज़्यादा बिगाड़ पैदा नहीं होता वो शैतान ज़्यादा तंग नहीं कर रहा या काबिल बर्दाश्त या चीज़ फिर तो वो मुसलसल सुनते रहें इन शक्त में बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे लेकिन अगर रुकिया सुनने के दौरान तबीयत नाकबले बर्दाश्त हो जाती है फिर चाहिए कि वो किसी भी राखी से आप रब्ता करें जी हम ये रुकिया सुनते हैं तो इस कदर इसकी तबीयत बिगड़ जाती है फिर वो प्रॉपर आपका इलाज करेगा या वो आपके जो मामले उसके हिसाब से आपको कहेगा जी ये ये आयात आप ख़ुद पढ़ सकते हैं ठीक है अब इसमें एक चीज और है कि आपको रॉन्ग नंबर से बचना है बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे मामला, मामला जो खराब जी जी। है जी। वो यही है कि ठीक बंदा मिलता नहीं, नहीं मिलता और लोग ख़ार होते हैं परेशान परेशान हो रहे हैं इसलिए कोई एतमाद वाला एतमाद वाला बंदा इसका जो मखसूस टाइम भी है कोई कि नहीं, आपने शाम टाइम में, मैंने में, वही बताया कि कोई टाइम नहीं जब आप समझते कि आप ये इजिली सुन सकते हैं कोई काम नहीं है फ्री आप वो सुनने कोई टाइम की नहीं और तरीका भी कोई नहीं है जी, तरीका यही है कि बस वो तवज्जो के साथ सुने क्योंकि कुरान पढ़ा जा रहा है इसलिए नाग के साथ खामोशी के साथ वो मुकम्मल तौर पर आप और ये है ही कुरान बिल्कुल कुरानी जो कुरान का सुनने का बिल्कुल 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 वही तो ठीक है सर आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन है जी अक्सर जिसम में बहुत दर्दे वगैरह रहती हैं क्या ये जादू की अलामत है अच्छा ये इस क्वेश्चन में भी वैसे बहुत से क्वेश्चन प्लीज बताइए देखे ना कि हम ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर ये पहचानना है कि ये जो मर्ज है जिसकी वो तकलीफ़ महसूस कर रहा है उसको पहचानने की ये क़लामत है कि अगर मेडिसन उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है समझ लें वो मेडिकल इशू था वो, वो ख़त्म हो रहा है मेडिसन के साथ लेकिन आप समझते कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा लिया है लेकिन ये मर्ज ख़त्म नहीं हो रहा है मेडिसन बेअसर है डॉक्टर्स परेशान हैं हैरान हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है वो समझ ली कि वह रूहानी ईशू है और जो स्पेशली दर्दों के लिए पूछा गया ना जी इसमें एक मैं चीज़ और वाजिया कर देता हूँ जो मेडिकली दर्द है ना मतलब कि सर की दर्द वो सर में ही है बाजू की दर्द बाज़ू में कमर की दर्द कमर में उसी जगह पे ठहरी हुई है मेडिसन खा रहे हैं कुछ आराम आता है या नहीं आता वो अलग चीज़ है पर्टिकुलर एरिया एरिया, एरिया हाँ दर्द वहाँ की है सर वहीं की है दर्द अच्छा है। जो रूहानी दर्द है ना जिस रूहानी मसले की वजह से पैदा होती है वो आपकी दर्द की जगह चेंज होती रहती है कभी सर में कभी बाजू में बार बार जगह चेंज होती है स्पेशली जब रुकिया सुनते हैं ना जी, जी। ये चीज़ याद जब रुकिया सुना जाता है या कोई भी राखी आपके ऊपर रुकिया कर रहा है तो उस दौरान वो स्पेशली तौर पे ना वो जगह चेंज होगी अभी सर में हो रही है अभी किसी जिसम के किसी दूसरे हिस्से में चलेगी फिर तीसरे हिस्से में चलेगी मूव करती रहेगी मेरे पास एक शख्स आया तो उसे वो पहली दफ़ा आया और उसे जो ले के मेरे पास आया था ना वो पहले आ चुका था उसके कोई फैमिली जो अपना मामला थे अलहमद लाला के कुरने बेहतर किए थे वो शख्स को मेरे पास लेके आया अच्छा जब वो मरीज़ मेरे पास आया ना जी तो उससे बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वो झुक के झुकता हुआ था इतनी उसकी तकलीफ़ थी कमर में अच्छा उसे पढ़ाई शुरू की है और टाइम काफ़ी लगा उसको पढ़ाई करने में अब क्या हो रहा है कभी उसकी इस यहाँ पे पेन शुरू की कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी सर में कभी कंधों में कभी कमर में कभी टांगों वो वो, वो मुस्कुरा भी रहा है कि ये क्या हो रहा पढ़ा है पढ़ाई कभी यहाँ पेन जा रही कभी वहाँ जा रही कभी वहाँ जा रही अच्छा वो उसे इतना यकीन नहीं था क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे थे उसका बिलीव कभी कहीं और था तो लेकिन वो जब सुन रहा था तो सुना ना उसने पढ़ाई काफ़ी देर तक इस तरह ना दर्जो मूव करती रही फिर आप बिलाख़र अलहमदुल्ल वो बिल्कुल ठीक हो गया वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गई जिसम के मुकम्मल हिस्सों में अब बिल्कुल ठीक गया ना बंदा वापस गया अच्छा उसने मुझे वहाँ पे बैठे ही दिखाया कि पॉकेट में इतनी मेडिसिन निकाली तो सुबह शाम खाता हूँ लेकिन मेरा तकलीफ मेरी ख़त्म नहीं हो रही उस वक्त अलहमदिल्ला वो ठीक होकर चला गया अब जा के ना तो एक दो दिन बाद ना रबता किया कहता अरे साहब उसके बाद ना वो मैंने चालीस रुपये की पुड़ियाँ मिली किसी से मैंने खाई तो मुझे सुकून हो गया मुझे आराम मिल गया दवाइयाँ वो सात वाला बंदा कहता है यार अल्लाह के बन्दे एक घंटा उन्होंने कुरान की तिलावत की है जब तुम गए थे तब तुम्हारी हालत क्या थी बाद में तुम अलमदिल्ला बिल्कुल ठीक होके वापस आए हो तुम कुरान पर यकीन नहीं कर रहे तुम समझ के वो चालीस वाली में आराम आ गया उड़ियों में हाँ फिर उसे अपना हुआ कि वाकई यार के जब वो पढ़ाई करवाई है उसके बाद मामला बेहतर तो हुए अब इसमें बताना ये चाहता हूँ कि जिसके ऊपर ये रूहानी मसायल है ना उसकी ये जो पेन है ये मूव करती थी इस जिसम के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और जब कोई ऐसा मसला महसूस कर रहे हैं दर्दें वगैरह महसूस कर रहे हैं उनका हल भी हम बता देते हैं इन ताला उसमें सबसे पहले ये है कि इशराक की नमाज ज़रूर पढ़ें तो मैं तीन सौ सार जोड़ हैं जिस समय उनका सदका की नमाज है की की नमाज की लाजमी नमाज वो लाजमी पढ़े ठीक है इसके आपके जो जितनी जोड़ों की दर्द है ना जी वो इन शाल इस नमाज पढ़ने के साथ दूर हो जाएगी जितने मसाइल है और दूसरा आप इस्लाम की हदीस है कि जिसम के जिस हिस्से में दर्द होता है वहां पे आप हाथ रखे मिसाल के तौर पर मेरे इस हाथ में दर्द है दूसरा हाथ में नहीं रखा है तीन मरतबा बिस्मिल्ला बिस्मिल्ल बिस्मिल्ला और फिर सात मरतबा आउज इज़्ज़त ही वुदरती हाजिर सात मरतबा ये दुआ पढ़नी ये चीज एक महसूस कीजिए फर्क है जो कि अगर तो अपने आप में आपने दम करना है फिर यही दुआ है तीन मरतबा बिस्मिल्लाह और सात मरतबा आउज भी इज्जत अगर किसी को दम करना है आउजू की जगह दोबारा पढ़ देने लिए आउज भी इज्जत वुदरतीिमा आजिद हुआ वो हाजिर किसी के ऊपर दम करना है वुदरती ही मिनशर्रिमा ताजिद हुआ तो हाजिर अपने लिए आजिद हुआ वह हाजिरु किसी के लिए ताजिदूँ व तो हाजिर हूँ यह दुआ पढ़ा करें जिसम के जिस हिस्से में भी दर्द होती है इन शजीज़ इस अमल के साथ वो तमाम दर्दें अल्लाह रबुल इज़्ज़त खत्म फरमा देगा माशा माशा अच्छा सर एक चीज़ और बताइए मुझे कॉल आती है अक्सर लोग मोहब्बत करते हैं इन सब का शुक्रिया लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ मैं आलिम नहीं हूँ मैं आमिल नहीं हूँ मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मैं ख़ुद सीखता हूँ पढ़ता हूँ मैं स्टाक का मुसाफिर हमें भी बताते हैं आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हमें मिलते रह जजाकल्ला सर जजाकल्ला बल्कि लोग कॉल करते हैं और फिर पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी डायरेक्टली आप उस्मान साहब से रबता करें या आपका फोटो है आप बेहतर जानते हैं इस काम को एक शख्स की मुझे कॉल आती है बार बार रिपीटेडली कॉल आती है मैंने कहा कोई परेशान है और बड़ी एमरजेंसी है कोई तो मुझे कहते हैं कि जी मैं फ्लां फ्लां बोल रहा हूँ पता नहीं किस एरिया का कोई रूरल एरिया बताया

थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजरा गुफ्तु करते हुए मैंने कहा ये हो सकता है मामला तो इधर हो तो फिर मैंने आपकी तरफ रेफ़र भी किया उनको अच्छा ये जो मामला है मुझे ये जानना है कि ये ऐसी हकीकत में चीज़ें होती हैं कि वो आपको कोई काम करने से रोक दें आपको ड्राइव करने से रोक दें आपके पाँव पे वो प्रेशर आ जाए आपके पाँव को मूव ना होने ये भी हकीकत है अच्छा, ये देखें आपके वजूद पे ये काबू पा सकते हैं अच्छा ठीक है इंसान की ये हालत ऐसी कर सकते हैं कि जिस तरह एक शख्स पागल हो जाता है मजनू हो जाता है अल्लाह का कुरान कह रहा है कि ये इस तरह ये हालत कर सकते हैं दूसरा ये कि आप के ये स्पेशली करते हैं क्या ये इंसान के दिमाग को काबू में कर लेते हैं दिमाग को कंट्रोल में कर लिया फिर उस शख्स से वो कुछ भी करवा सकते हैं कोई बात मनवा सकते हैं मतलब कि बंदा ड्राइव कर रहा है जाना फैसलाबाद है उसके दिमाग को इस तरह उसने कंट्रोल किया उसे समझ नहीं आ रही है वो किसी दूसरे रोड पर वो गाड़ी लेके चला गया ये दिमाग पर काबू कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं इंसान के जिसम को किसी तरह उसका रुख मोड़ सकते हैं वो स्पेशली जब दिमाग में चला गया अब आपका दिमाग जो आपसे करवाना चाहता है वो करवा सकता है आपके हाथ उस तरह मूव कर सकते हैं आपकी टांगे कर सकती हैं करना तो दिमाग ने वो दिमाग कह रहे जी ये काम करें वो इंसान करना शुरू कर देता है ये शे तीन कर सकते हैं ऐसे लेकिन वो जो पेशेंट है उसको तो देखना पड़ेगा क्योंकि बाज ऐसा होता है कि दिमागी मसला वैसे इंसान को होता है कोई सहायको कोई इंसान है या खौफ़ में इस तरह मुबतला है कि उसे है कि वो कुछ कर ना दे शैतान जिन्ना मेरे साथ कोई ऐसी हरकत कर ना दे वो खौफ की वजह से ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि मैं जा रहा हूँ मेरे मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए शैतान मेरे ऊपर हैवी है मेरा एक्सीडेंट न... अच्छा वो क्या होगा वो नहीं भी है ना वो खौफ की वजह से वो कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाएगा लेकिन वो इसलिए वो सबसे पहले उस पेशेंट को देखना पड़ेगा जिसकी बात है कि वो असल में उसके साथ

और हम एक दफा दो दफा तीन दफा हमने कहा नहीं ये कुछ मामला समझ तो, से बाहर है जी। अब छोटे बहन भाई भी डर गए कि ये क्या होने लग गया अब चूंकि मैं घर में बड़ा था तो मेरे पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद हो गई अब उन दिनों पाकिस्तान में थे नहीं तो हमें ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने लग गई इवेंचुअली एक चीज और होने लग गई कि अगर आप रात को डोर्स बंद करके सो रहे हैं तो वो डोर नॉक होता था बाकायदा आवाज आती थी और जब आप खोलते थे तो कोई भी नहीं था तो ये सिलसिला काफी महीनों तक चला फिर मेरी वालदा उनको जिंदगी से दे नहीं। 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 उन्होंने कुछ पढ़ा कुरा, हमें नहीं पता हम हुँ। हुँ। हम तो समझते भी नहीं थे इन चीज़ों बिल्कुण, को बिल्कुण, आज जब मैं ये प्रोग्राम करता हूँ जिसके बारे में रिसर्च करता हूँ कुछ किताबें मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि मामला हैं क्या फिर वो माँ मेरी वालदा जो वो पढ़ा तो पढ़ने के कुछ अर्से के बाद वो चीज़ें खत्म हो गई तो ये क्या मामला हो सकते हैं मैं ना एक दफ़ा अपने मोहल्ले में खड़ा ना तो बिल्कुल साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी जी उन्होंने मुझे देखा आप सब जल्दी आए जल्दी आए जल्दी तीन चार लोग कट्ठे हो गए मेरे पास जल्दी आए मैं क्या हुआ क्या कि आप सब यहाँ पे ना सुबह सुबह सुब लड़का आता है सफ़ाई करने के लिए ऑफिस बॉय अब क्या हुआ एक बेल रखी हुई है कि जो बुलाने के लिए ऑफ़िस बॉय को बुलाने के लिए ठीक है और अच्छा वो उसने सफाई करने के लिए ना रखी है तो वो बजना शुरू हो गई कोई नहीं। भी नहीं है उसने उठाई वो कहीं और पे रख दी ठीक है फिर सफ़ाई करना शुरू हो गया बाद में आया तो वो गायब हो गई उसे नहीं मिली अब उनके पास वो डेक वगैरह पड़े हुए हैं कहते वो खुद ही चलना शुरू हो जाते हैं अब चलते हैं बहुत से उनमें ख़राब भी हो गए अब दूसरी बात कहते हैं जी ये टेबल है ये गिलास पड़ा हुआ है कहते यहाँ से गिलास यहाँ तक आ गया अब समझ शायद कोई ऐसे ढलान ऐसी हो या नीचे आ, कोई पानी वगैरह हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु, ऐसा कहते कुछ भी नहीं है घर साहब और कहते जी मजे की बात है कैमरा लगा आपको कैमरे में दिखाते भी हम उन्हें कैमरा दिखाया अब जिस तरह जा रहा तब नहीं महसूस हुआ जब बिल्कुल रिवर्स करके देखा ना जी तो बिल्कुल अपनी जगह से दूसरी जगह तक वो गया अच्छा हुआ क्या फिर जब वो पढ़ाई की या रुकिया किया अलहमद तो वो शैतान जो जन्नात जन्नात ऐसी शरारतें करते हैं तो वहाँ से वो चले गए अब होता क्या है मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो जन्नात की तीन शाम है उनमें एक यही है कि जो एक जगह कूच करते हैं फिर वहाँ से वो चले जाते हैं ठीक है क्याम किया फिर वहाँ से कूच कर गए अब क्या था वो वहाँ पर आए हैं चलते फिरते आगे उन्होंने शरारतें करना शुरू कर दी अब जो तो कुरान हमने पढ़ा अलहमद वो वहां से भाग गए अब कोई ऐसा वैसा बंदा आ जाता उसने तो क्या वो उनको निकालने के बजाय और डाल देने थे नहीं उसने खुद शामिल हो जाना था शामिल, शामिल हो, जाना हो, था। हो, जाना। था अब बात यह कि इस तरह की हरकतें शरात कर देते हैं शरारतें शरारती बिल्कुल शरारतें करते हैं लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि वो वैसे ही कोई मैंने पहले भी एक स्टोरी आपको सुनाई थी कि उनके ना अपना विंडो वगैरह ना इस तरह जैसे नोक कर रहा है तो वो होता क्या था कि घर का दूसरा जो मेन डोर है वो जब जोर से ओपन करते हैं ना या बंद करते हैं तो वो उसके साथ एयर प्रेशर से बिल्कुल वो हो जाता है तो वो तो अल, अल, अलग चीज़ अलग है, अलग। है तो लेकिन है। इस तरह शयातीन भी ऐसी शरारतें कर देते हैं उनका मकसद क्या होता है ऐसी शरारतें करके घर वालों को खौफ ज्यादा करना जो खौफ ज्यादा हो गया फिर उसे और डराना शुरू कर देते हैं जो समझता है कोई बात नहीं है वो कुरान पढ़ना शुरू कर देता जी, जी, है अल्लाह से मदद तलब करता है तो इनकी क्या औकात है फिर भाग जाते हैं चले जाते हैं जैसे माजी ने भगा दिया माजी मुकम्मल आमिला तो नहीं ना जी, बिल्कुल, लेकिन हकीदा उनका बिल्कुल, था कि वो चले गए भाग गए कोई भी कर सकता है यकीन के साथ तो ये मुझे अचानक याद आ गया ये हमारे बचपन की यादें हैं बिल्कुल बिल्कुल अभी तक चल रही हैं अभी तक चल हैं ऐसे ही है ठीक है ले सर अगला एक क्वेश्चन है पूछा गया है घर में जिन्नात का बसेरा है और आमलिन कहते हैं कि इस घर को छोड़ दे, फिर जिन्नात आपकी जान छोड़ देंगे ये तो मामला मुझे कुछ और लग रहा है क्या घर बदल लेने से मसला हल हो जाएगा सबसे पहली बात ये आमिल छोड़ दें ये छोड़ डॉक्टर जो जो के पास डॉक्टर अच्छा। ने, ने, ने बाजू तुम बर्गर छोड़ दो, दो अपना चावल डॉक्टर मेरा बाजू छोड़ दो बाजू छोड़ दो तो ये, ये, ये आमिल छोड़ दो बदल घर ना छोड़े आमिल छोड़ दें अब होता क्या है कि घर में सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी अगर तो जिन्नात मौजूद हैं हकीकत में घर में मौजूद हैं तो ये चीज़ देखना सबसे पहले जरूरी है कि क्या जिन्नात घर में ही मौजूद हैं या उनका ताल्लुक आपके साथ है जी ठीक है आप क्या होगा अगर वो उसका ताल्लुक आप घर के अफराद के साथ है वो घर छोड़ के जहाँ भी जाएंगे जिन्नात उनके साथ जाएंगे अगर तो वो मान लीजिए कि घर के अंदर ही बसरा वो सिर्फ घर में ही रहते हैं और घर से बाहर जाए तो बंदे ठीक हैं अफराद सब ठीक है कोई मामला नहीं तो इस हालत में अब घर भी छोड़ देना देखिए घर अगर अपना है तो छोड़ के कहाँ जाएंगे? रेंट पे देंगे तो वो भी नहीं रह सकते वो तो मतलब कोई घर फिर खाली रहेगा पूरी ज़िंदगी ये भी हल नहीं है अगर वो घर रेंट पे भी है तो घर छोड़ के नई जगह शिफ्ट होना ये भी इतना आसान नहीं है ऐसी हालत में कोई आमिल अगर ये कहता है और देखे ना आमिल को बुला के लाए हैं घर के अफराज जिन्नात को घर से निकाले ये घर के अराज को घर वालों को निकाल रहे निकाले बहुत से आमिल ही नजर करते हैं ऐसी हालत में बिल्कुल घर नहीं छोड़ना है अगर तो आमिल हाँ को कोई मिल गया घर से निकाल रहा है तो वेल एंड गुड अगर नहीं तो आप ख़ुद भी निकाल सकते हैं शुरु बकर की आखिरी दुआ याद घर में रात के वक्त पढ़ना शुरू कर दें इन शीद अगर वो आपको तंग करने वाले हैं या घर में उनका बसेरा वो इनशाला घर छोड़ के भाग जाएंगे आपको घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा तीन दुआ याद आखिरी दुआ याद आखिरी दुआ याद ठीक है।, है अच्छा फॉर द लाइटर नोट जी आप आमिल बदलें और आप कारी साहब से रब्ता करें तो ये जो घर चेंज करने वाला मामला है ना ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा अच्छा मुझे एक चीज़ और भी जहन में जी आती जी। है कि जिन घरों के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में ये मशहूर कर दिया जाता है यहाँ पे जन्नात है यहाँ पे बसेरा है यहाँ पे ये माम उनको बाकायदा प्लानिंग के साथ मशहूर किया जाता है कि वो घर ना बिके वो प्रॉपर्टी ना बिके या वो इतने सस्ते दामों में बिके हाँ जी जो ये चाह रहे हैं कि हमें सस्ता मिल जाए वो उसको खरी खरी लेते। इसके पीछे बाकायदा एक है बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात आपने की ऐसा होता हमने तो अभी जो बताया ना हाल ये तो उनके लिए बताया ना जिनमें जिन जिन्नात का सीरा है लेकिन ज्यादातर ये जो मसायला आपने बताया ना ये बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है पूछे मुकम्मल एक प्लानिंग होती है घर वालों को खौफ ज्यादा करने के लिए घर को कम दामों में बिकवाने के लिए ये ऐसी हरकतें भी करते हैं लेकिन इससे पहले वही चीज चेक करनी ना वो आम ही बताएगा जी घर में नहीं ये तो वो चेक करें कौन ऐसा कर रहा है कौन नहीं, नहीं।, नहीं। और जो महसूस कर रहे हैं घर के तो सारी बात हो अगर वो मैं खुद घर के अफराध महसूस करें कुछ है और ऐसी चीज़ें हो रही वो वो चीज उनके लिए बात फिर हमने ये हल बताया कि वो घर ना छो उनके लिए भी खूब ज्यादा हो और ज्यादा नहीं होंगे आपसे खूब ज्यादा हो

हम 16 साल रहे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे मामला नहीं थे यहाँ पे बैठे ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का अल्ला शुक्र है नया घर लिया और बेहतरीन ये ये लर्निंग है अब बिल्कुल अगर आप इन जिस तरह ये क्वेश्चन अगर ये ना पूछा जाता तो शायद मैं ये डिस्कस ना करता लेकिन ये लर्निंग है कि ये क्या पॉसिबल है क्या गारंटी है कि आप वो घर छोड़ देंगे सिर्फ इस डर से कि मसला हल हो जाएगा तो क्या वो मसला आगे नहीं हो जाएगा फिर वो जा बिल्कुल वो आपके साथ ट्रैवल नहीं करेंगे जी, कोई अगर है। हकीकत में ऐसा जी है, जी तो पहले उसका हल कीजिए ठीक थी. है सर आगे चलते हैं पूछा गया है क्या जादू हमेशा कोई दुश्मन ही करवाता है या अपने भी किसी अमल या गलती की वजह से इंसान जादू का शिकार हो सकता है इसमें यह भी ऐड कर लें कोई अपना चाहने वाला या मोहब्बत करने वाला भी आप पे जादू करवा सकता है क्योंकि ये ये इससे रिलेट करेगा जी जी बिल्कुल दोनों ही पॉसिबिलिटी है पॉसिबल है अच्छा पहले आते ना क्या अपने ही किसी गलती की वजह से अमल की वजह से ऐसा हो सकता है या नहीं ये बहुत ही अहम सवाल है और ये सामीन के सुनने वाला है तो बिल्कुल तोजह से सुने एक शख्स आया वो कहता जी कर्ज साहब आपको लेके जाना है हमारे फार्म हाउस में ना दुआ करवाने मैं कह जी ठीक है जुम्मे का दिन था जुमा पढ़ाया मुझे साथ लेके चले गए वहाँ पे दुआ वगैरह की तो उनका ना एक कोई आया नौकर वगैरह तो जब आया वर्कर तो उसने ना हाथ में करे शरे पहने अजीब से अजीब सी रिंग वगैरह पहनी उसने और चैने वगैरह गले में लटकाई हुई पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ कहते कर साहब ये देखें इसे इसकी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो चुका है जिस काम में हाथ डालता है ना उसमें कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है इसका काम नहीं बनता है तो आ, तरफ से भाई रहे थे। पहनी थी उसने अच्छा तो कहते हैं इसका कोई काम नहीं बन रहा देखिए इतना कुछ इस बंदे ने पहना हुआ है लेकिन इसका कोई काम नहीं बनता जिस काम में हार डालता है ना नकामी नकामी होती है जरा देखे इसको क्या मामला है सबसे पहले तो वो चीजें उसके थ्रो आई ना देखे आप अंगूठी पहना करते थे सोना बंदा पहन सकता है लेकिन ये नहीं कि अब हर उंगली में ये अंगूठियाँ पहन ले, कई उंगली बसों में मना भी फरमाया और ये नहीं कि अजीब गरीब सी और स्पेशली अगर मैंने पहने या कोई पहनता है तो उसके ऊपर आपका कोई अकीदा नहीं होना चाहिए कि ये मैंने पहनी है तो ये मुझे किसी बीमारी से बचा सकेगी ये मुझे किसी आफत से बचाएगी इस तरह ये अल्लाह इज़्ज़त को नाराज़ करने वाली बात है इसलिए अगर आपने वैसे खूबसूरती के लिए पहनी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है उंगलियों में पहन ली और -लैदा लैदा पहनी उसमें यकीन है ये बवासीर के लिए ये शुगर के लिए फलाम ये पहनते इस तरह लोग बताते हैं अच्छा अब क्या है कि वो सबसे पहले उतरवाई उसकी फिर वो जुमे का दिन था जुमा में पढ़ा के गया था मैंने उससे पूछा मैं कि जुमा पढ़ा है तुमने नहीं जी पिछला जुमा नहीं उससे पिछला जुमा जी वो भी नहीं पढ़ा और जो तीन जुमे लगातार छोड़ देता है इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी सुस्ती या काली की वजह से मुसलसल तीन जुमा छोड़ने छोड़ने वाले इंसान के दिल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहर लगा देते हैं अब देखें जब मोहर उसके दिल पर लग चुकी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से वो शख्स दूर हो चुका है अब वो छल्ले करे या कुछ भी कर ले उसे कामयाबी नहीं मिल सकती अल्लाह की रहमत से ऐसा शख्स दूर हो चुका है सबसे पहले वो जुमा तो पढ़े नमाज़ के करीब तो आए एक तो ये चीज़ और दूसरी जो ज़रूरी समझने वाली है कि देखें कि जब भी कोई शख्स रात को सोता है फरमाया कि हर इब्न आदम हर इंसान की गुद्दी में शैतान तीन गिरे लगा ठीक है।, है और वो जादू की ही गिरे जिस तरह एक इंसान लगाता है जादूगर इसी तरह वो जिन भी लगाता है लगा देता है और जो इंसान सुबह सुबह उठता है नमाज के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो पहली गिरा खुल जाती है वजू करता है दूसरी गिरा खुल जाती है नमाज़ पढ़ता है तीसरी गिरा खुल जाती है पूरा दिन हशाश बशाश उसका गुजरता है आ, अपना तमाम मामला के लिए अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ फरमा देते हैं लेकिन जो शख्स सोया ही रह गया वो जादू की गिरे लगी ही रह गई अब उसका पूरा दिन भी सुस्ती काहली में गुजर गया घर वालों के साथ भी वो बदकलामी कर रहा है और कस्टमर के साथ भी अच्छे से डील नहीं कर रहा है और फिर समझता कि मेरा कारोबार बंद हो गया है ये मामला का मैं शिकार हो गया हूँ ये वो अमल है जिस वजह से आपने अपने ऊपर खुद जादू किया हुआ है। खुद इस अमल की वजह से आप जादू का शिकार हो चुके हैं परेशानी के आप शिकार हो चुके हैं और फिर कहते हैं जी मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया ये वो बात है कि अपनी गलती नहीं माननी है अपनी सुस्ती नहीं दुरुस्त करनी है अपनी जो कहा उसको दूर नहीं करना है आके जी बस जी काम ख़ुद नहीं करना इस वजह से वो सुस्ती का शिकार है और कारी साहब जी कुछ किसी ने कुछ कर दिया है कुछ इसका हल कर दिया इतने सालों से मैं परेशान हूँ यकीन माने एक शख्स आया इसी तरह वो परेशान तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई नमाज पढ़ी है तुमने नहीं कल परसों नहीं कितना टाइम हो गया मुस्कुराया शर्मिंदगी वाली हंसी थी उसकी थोड़ी मैं क्या कितना टाइम हुआ है कहता याद नहीं मैं क्या एज क्या तुम्हारी कहता जी पचास साल Allah मैं क्या पचास Allah साल Allah. में तुमने कोई नमाज पढ़ी है अल्लाह अकबर मुझे बताएं मैं उसके ऊपर क्या रुकिया करूँ क्या उसका Allah इलाज Allah करूं? मुझे इजाज़त दीजिएगा यहाँ कहने की आपकी गुफ्तु बड़ी अहम है मैं हैरान होता हूँ कि हम कितना लाइट ले लेते हैं कि नमाज अच्छा आप चले मैं पढ़ता हूँ सर मैं सोच के कभी कभार भी मैं कहता हूं कि ये क्या है कि हम इतना लाइट आप कहते हैं पचास साल पढ़ी पढ़ी, नहीं, पड़ी, नहीं तो नहीं हम किस गलत फहमी में फिर रहे हैं हम अल्लाह बुलाता है पांच दफा दावत देता है यहाँ पे, पे आपको कोई एक शख्स दावत दे और आप ना जाए तो वो आप बड़ा बुरा मनाया जाता है और फिर वो बंदा सही आपसे शायद बात भी ना करे अल्लाह तला डेली आपको कह रहे हैं पांच दफा आओ और हम कह रहे हैं हमें कोई बड़ा कहता है या कोई बुजुर्ग कहता है तो हम कहते हैं अच्छा आप चले हम आ रहे हैं ये ये क्या ये क्या है और फिर हम कहते हैं ठीक नहीं प्लीज कहा ना कि हया फला पांच मरतबा ये सदा आती है आओ कामयाबी की तरफ लेकिन क्या है कि हम उस कामयाबी को छोड़ के जहाँ खुद कह रहे हैं ये कामयाबी है इस तरफ आओ उस कामयाबी को छोड़ के हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हमें कामयाबी मिल जाए अगर यहाँ तुम नहीं आए हो जहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्लिए यहाँ तुम्हारी कामयाबी है तो जाओ दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाओ जितनी मर्जी मेहनत करो एक लम्हा मत सो सुबह शाम मेहनतें करते रहो कभी कामयाबी नहीं मिल सक पाओगे जी तो नमाज में बिल्कुल नमाज बहुत जरूरी है जी आप करके देखें इस पे अमल करें मामला ठीक होंगे नमाज के साथ नमाज के साथ हैं और उसमें शामिल हैं जो हम पढ़ते हैं वो क्या है वो सारी नमाज, है। भी नमाज, नमाज भी नमाज भी चलना है, तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ मौजूद रहे असलम साहब मोल जादू जनाद्तु इस तरफ चली जाती है कि समय नहीं लगती कि अब इसको रोके कहा इनशाला एक और नशित रखेंगे फिर मुलाकात होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे ले जी प्रोग्राम अभी जारी है मिलते ब्रेक के बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने आदाब जानने हैं रास्ते के मिलते हैं ब्रेक की बात <ख़ीज़ी>